तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के बारे में और काफी पॉपुलर भी है वो आजकल। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ पेप्टाइड्स के बारे में। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ग्रीष्मा और मैं बताती हूँ स्किन केयर और लाइफस्टाइल के बारे में हिंदी में। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा साइंटिफिक वे में इसको ना बताऊं और ज्यादा आसान भाषा में समझाऊं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड्स अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन्स हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको पेप्टाइड्स कहते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन कहलाते हैं। तो शॉर्ट चेन्स पेप्टाइड्स होते हैं और लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं। तो पेप्टाइड्स के कई सारे स्किन, हेयर और मसल ग्रोथ बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ पेप्टाइड्स और उनके स्किन बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्नल पेप्टाइड्स के बारे में। सिग्नल पेप्टाइड्स ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो स्किन के सेल्स को एक मैसेज देते हैं कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा कोलेजन इलास्टिन प्रोड्यूस करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर पेप्टाइड के बारे में। कैरियर पेप्टाइड एज अ कैरियर कॉपर और मैग्नीशियम होते हैं सीरम्स या मॉइस्चराइजर के फॉर्म में। हम उनको स्किन में लगाते हैं तो कॉपर क्या करता है? एज स्पॉट्स को कम करता है, फोटो एजिंग को कम करता है और स्किन के कोलेजन लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट है मार्केट में, जो क्लेम करते हैं कि वो ऐसे फैक्टर्स को ब्लॉक करते हैं जो कोलेजन को कम करता है हमारे स्किन में। स्किन केयर कंपनीज और स्किन केयर लाइन ज्यादातर इन्हीं काइंड ऑफ पेप्टाइड्स पे वर्क करती हैं। हालांकि पेप्टाइड्स के हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म से भी ज्यादा हैं, बट स्किन केयर ज्यादातर इन्हीं पे फोकस करता है। तो अब जान लेते हैं कि पेप्टाइड वर्क कैसे करता है। तो काफी लोगों पे स्टडीज की गई और ये सामने आया कि पेप्टाइड एज अ मैसेंजर एक्ट करता है सेल्स के लिए, यानी कि वो सेल्स को बताता है, एज अ मैसेज देता है कि हमारे स्किन को ज्यादा कोलेजन और इलास्टिन की जरूरत है, जिससे हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी है, वो और ज्यादा कोलेजन और इलास्टिन का फॉर्मेशन कर सके। बट ये एज अ मॉइस्चराइजर भी एक्ट करता है। ये एक पावरफुल ह्यूमेक्टेंट है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण स्किन काफी हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग भी नजर आती है। तो किन लोगों को पेप्टाइड्स यूज करना चाहिए? तो जिनकी स्किन एज हो रही है, जिनकी स्किन ड्राई है, एक्जिमा प्रोन है, डिहाइड्रेटेड है, डल है, या जिनका स्किन बैरियर वीक है, ऐसे लोग अगर पेप्टाइड को यूज करेंगे तो स्टडीज का कहना है कि उनके जो डर्मिस लेवल में है और एपिडर्मिस लेवल में कोलेजन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। इसके कारण उनकी स्किन थिक और प्लम्प दिखाई देगी। तो पेप्टाइड्स के कई सारे बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इनके ऊपर स्टडीज हुई है, बट अभी भी कोई रिसर्च ऐसी सामने नहीं आई है कि ये वर्क करते ही करते हैं। यानी कि कुछ लोगों पे स्टडीज हुई और पेप्टाइड ने बहुत अच्छा वर्क किया और कुछ लोगों पे नहीं किया। तो इसकी स्टडी स्टिल कंटिन्यू है। तो क्या ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा ओपिनियन क्या है इस प्रोडक्ट को लेके? तो अगर आप एक स्किन केयर इंथूजियास्ट हो, अगर आपको ट्राई करना स्किन केयर अच्छा लगता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और कोलेजन प्रोडक्शन और इलास्टिन प्रोडक्शन में अभी भी कुछ स्टडीज बची हैं, रिसर्च बचे हैं, जो ये प्रूव कर सके कि सच में ऐसा इलास्टिन कोलेजन वाला इफेक्ट देता है या नहीं। बट कुछ स्टडीज जरूर सामने आई हैं जिनमें ये शो हुआ है कि ये वर्क करता है। तो अगर आपके पास स्लॉट ऑफ मनी है, आप स्पेंड कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्किन केयर में पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, तो आप नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, इट्स अप टू यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट, शेयर और लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना, वरना मेरे नए वीडियोज आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और भी ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप मुझे सजेशन दें कि मैं आगे किन चीजों पर वीडियोज बनाऊँ। बाय।